हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th में टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ ए वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ये बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए द डेरिवेटिव्स ऑफ ए वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। ये है बच्चों, अब जैसे यहां पर कोई भी मैं क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। मैंने कोई एक यहां पर क्वेश्चन लिया, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तब हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लिखते हैं यहां पर dy बाई dx लिखते हैं, जैसे होता है ना डिफरेंशिएट, वी नो दैट डिफरेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है, डी ऑफ वाई ओवर डी एक्स, ये होता है इसका मतलब। अब यहां पर क्या देखो, वाई की जगह पर साइन एक्स है, एक्स की जगह पर कॉस एक्स है, तो सिमिलरली जब मैं इसको ऐसा ले सकता हूं यहां पर, तो सिमिलरली इसको भी मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा, इसको आप ऐसे लिखें, देयर फॉर डी ऑफ साइन एक्स ओवर डी ऑफ कॉस एक्स। ये है बच्चों, अब आप इसको लेट करें, इसको मैंने यू लेट कर लेता हूं, इसको मैं वी लेट कर लेता हूं, लेट या पुट कर दीजिएगा, लेट्स यू इक्वल्स टू साइन एक्स एंड वी इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, दिस बिकम डी यू बाई डी वी। अब स्टूडेंट देखेंगे आप यहां पर यू और वी के जो वेरिएबल यू और वी, इसके अलावा एक और वेरिएबल यहां पर एक्स है, तो अब हम यहां पर डी इससे क्या फाइंड करेंगे, इसको हम डी यू बाई डी डी बी को मैं ऐसा ले सकता हूं, डी यू बाई डी एक्स ओवर डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स ओवर डी वी बाई डी एक्स, ऐसा मैं ले सकता हूं। अब मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन से वी फाइंड डी यू बाई डी एक्स फ्रॉम द सेकेंड डी वी बाई डी एक्स, तो अब ये कैसा हो गया, चेन रूल बन गया यहां पर, ये स्टूडेंट कैसा बने यहां पर, चेन रूल बन गया। तो आप, मैंने आपको ठीक इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये चेन रूल बताया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव बताया है मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में, आप मेरे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, तो ये वही है, अब बिल्कुल वही बन गया। यहां से आप देखिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब मैं इस वैल्यूज यहां पर पुट करूं, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितना है, कॉस एक्स है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स है, तो स्टूडेंट ये कितना आ गया, माइनस कॉट एक्स, यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन है, वन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनदर फंक्शन, ये करना है, तो एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। हमें इस बात का यहां पर ध्यान रखना है बच्चों
ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये लिखवाया है इसका है मेन डिफ्रेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स माना होता है डिफ्रेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया, ऐसे ही मैं और क्वेश्चन लेता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए बच्चों आगे एक और अनदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर मैं, जो एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह है गाइस, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या है, ये u है और ये क्या है v है। पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखें विच इंप्लाइज डिफरेंशिएट दिस वन, इसका मतलब डी डी ऑफ टेन इनवर्स 2x by 1 minus x square over d of sine inverse 2x by 1 plus x square, ये हो गया ठीक है। Which implies स्टूडेंट इसको मैं लेट करूंगा यहां पर, लेट u इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस द फर्स्ट वन, एंड v इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर द सेकेंड वन, ठीक है बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी वी, चेन रोल यहां से इसको मैं डी यू बाई डी वी को लिखूंगा, डी वी बाई डी एक्स ओवर डी वी बाई डी एक्स। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड से ये फाइंड करूंगा, फर्स्ट से डी यू बाई डी एक्स और सेकेंड से डी वी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा। ओके स्टूडेंट, अब इससे मुझे फाइंड करना है डी यू बाई डी एक्स। अब आप देखेंगे यहां पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पुट करेंगे हम x इक्वल टू टेन थीटा, इन दोनों में ये हो जाएगा पुट x इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। So we have student u equals to tan inverse 2 tan theta 1 minus tan square theta and v equals to sin inverse 2 tan theta by 1 plus टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट देयर फॉर यू इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है टेन टू थीटा की, एंड साइन इनवर्स ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट, साइन टू थीटा। अब ये आप देखेंगे विच इंप्लाइज यू इक्वल्स टू आ गया टू थीटा, एंड दिस इंप्लाइज वी इक्वल्स टू टू थीटा, एंड इट इज ऑल्सो यू इक्वल्स टू टू, द वैल्यू ऑफ थीटा इज टेन इनवर्स एक्स, एंड सिमिलरली वी इक्वल्स टू टू
टेन इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इनको मैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हम यहां से फाइंड कर पाएंगे। ओके चलिए मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएट आप इसको फर्स्ट और सेकंड आप यहां पर न डालें ज्यादा बढ़िया रहेगा, और मैं इसको फर्स्ट सेकंड यहां पर कर देता हूं उसको, ये दिस द फर्स्ट वन एंड दिस द सेकंड वन, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो वैल्यूज हैं डी यू बाई डी एक्स एंड डी, ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ये यहां पर मैं पुट कर रहा हूं तो कितना आएगा देखिए, विच इंप्लाइज दिस इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स कितना है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी यू बाई ऑल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू आ गया जी 1, इसका आंसर आ गया जी 1। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है तो आप जरूर इसको करेंगे, और भी मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां पर तो आप देख पा रहे हैं, इसको नोट करिए जल्दी से फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। चलिए साहब नेक्स्ट वन, ओके बच्चों नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ अनदर एग्जांपल, नाउ वी टेक डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह स्टूडेंट क्वेश्चन, इनको मैं अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं इस तरह से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या होगा डी ओवर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया बच्चों। इसको मैं लेट कर रहा हूं यहां पर, लेट u इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स डी यू बाई डी वी। स्टूडेंट इतना आ गया, और डी यू बाई डी वी को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं यहां पर, डी यू बाई डी एक्स ओवर डी वी बाई डी एक्स। अब मैं यहां पर इनसे फर्स्ट और सेकेंड से मैं क्या करूंगा यहां पर इनकी वैल्यूज फाइंड करूंगा, और इस वाले में दोनों में यहां पर मैं पुट कर देता हूं, दोनों के लिए एक ही कंडीशन आएगी, पुट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा देन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों ये इतना आ गया यहां पर, देन वी हैव, अब ये कितना आ जाएगा यहां से,
आप देख पाएंगे ये जो वैल्यू है एनहेंस यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड वी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. इट इज ऑल्सो रिटन एज यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स. स्टूडेंट ये वैल्यू साइन 2 थीटा की होती है एंड वी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स. ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है स्टूडेंट. और ये कितना आ जाएगा विच इंप्लाइज स्टूडेंट यू इक्वल्स टू 2 थीटा एंड ऑल्सो वी इक्वल्स टू 2 थीटा. अब देखो इसके बाद इनकी वैल्यूज को मैं यहां पर पुट करूंगा जो u और v हैं. थीटा की वैल्यू कितना है tan इनवर्स x है यहां पर. तो u इक्वल्स टू एनहेंस u इक्वल्स टू स्टूडेंट ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x एंड v इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x. डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन दिस वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट करें इसको. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. वी हैव डी यू बाई डी एक्स स्टूडेंट ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दीज वैल्यूज पुट इन दिस वन. यहां पर मैं पुट कर रहा हूं बच्चों. तो ये कितना हो जाएगा भाई. ये वैल्यू आप देख पाएंगे डी यू बाई डी एक्स है ट्वाइस इतना और ये भी 2 बाई ये स्टूडेंट कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितना आ गया 1. आंसर आ गया भाई बच्चों. ये सबको क्लियर. तो ये आप देख पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन एक जैसे. तो ये एक तरह से यहां पर देखा है तो चेन रूल ही है ये. यानी हम देखें यहां पर एक्सरसाइज जो 5.6 हमारी उसी की तरह ही है एनसीईआरटी में. ठीक है ना. और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर हम ऐसा ले सकते हैं जो इसी पर डिपेंडेंट होंगे. ठीक है बच्चों. तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. ओके.